आंखें खोल करके बैठो योग में, आंखें बंद नहीं करना, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। अब समझो कोई मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के भाई फोन क्यों किया, देख रहे वैसे। इसलिए कई भाई बहने क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, कोई प्रॉब्लम तो सुनाओ, क्यों बुलाया। इसलिए बाबा से बातें करो, योग में नींद नहीं आएगी। नींद क्यों आती है, क्योंकि बातें नहीं करते, चुप होकर के बैठे रहते, सुनना अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए रूरवान करो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करेंगे, योग करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब धीरे धीरे मैं अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं, चांद सूरज तारांगन के पार हूं। अब तारांगन से पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे कहां गिर जाएंगे, हड्डी गुड्डी टूट जाएंगी। ऊपर चढ़ते समय ध्यान से चढ़ना होता है। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखाई पड़ता है बाबा आप लोगों को, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए अलर्ट बैठने की जरूरत है। जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और उसको जाकर के कोई कहे यार 10 रुपए लेकर के जाकर घर में सो जाओ, लेकिन वो क्या कहता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है, राजा। इसी तरह अमृत वाला बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम तो निद्रा में ऐसे झूम रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। हाँ, कई तो अमृत वाला तो क्या दिन में झूमते हैं, मैं देख रहा हूं अभी भी, हाँ जोर से जाया भी कर रहे हैं। बाबा को तो ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, जो उबासी लेता है, नींद करता है। बाबा को लगता है इसको कोई कदर नहीं रत्नों की। इसलिए स्टूडेंट मतलब हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी वो हैं, बक ध्यान काक चेष्टा अल्पारो ग्रह त्यागो ब्रह्मचरी। क्योंकि सुनाने वालों को तब आनंद आता है जो सुनने वाले, नहीं तो जोर से ऐसा ऐसा कर रहे तो क्या मजा आएगी सुनाने में। गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना। इसलिए बाबा जब अमृत वाला आता है, जागृत होकर के बैठना। अगर कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप करे मां, और बच्चे ऐसा ऐसा हिला रहे, थप्पड़ मारेगी, तुम शांत नहीं रह सकता। इसी तरह बाबा भी अमृत वेला आपके भ्रुकुटी में लिखता है, भाग्य लिखता है, मैं तुमको इतने जन्मों महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, लिख रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब लिखेगा कैसा वो। इसलिए कहावत भी बने, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या, कहावत बनी है। इसलिए अटेंशन से बैठना, अलर्ट होकर के बैठना। जितना अलर्ट होकर के बैठेंगे आपका भाग्य लिख जाएगा। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, वो नींद करें, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए योग में कभी भी नींद नहीं करनी, आंखें बंद करके नहीं बैठना है, क्योंकि बाबा की ताकत कहां से मिलेगी। अगर योग में नींद करेंगे तो बाबा का बल कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना। मैं देखता हूं कई बार मधुबन में भी बाबा के सीजन में भाई बहने आते हैं, बाबा मिलन में डायमंड हॉल में अमृत वाला योग करने के लिए आकर के बैठेंगे। कई तो भाई बहने क्या करेंगे, योग करते करते ऐसे सो जाएंगे। लोगों ने योग करके चले भी गए, लगा पड़ा अगर कोई उसको उठाता है ना, वो क्या कहता है, और 10 मिनट करके फिर जाऊंगा। वो योग नहीं है, वो निद्रा में चला गया है। इसलिए उन निद्रा वाले से प्राप्ति नहीं है। इसलिए योग में अटेंशन से बैठो, बुद्धि रूपी आंख खोल करके बैठो, स्थूल आंख भी खोल करके बैठो। तो अमृत वेला हमारी सारा दिन का फाउंडेशन है, अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। ना अमृत वेला आप अच्छा करेंगे, आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। इसलिए सभी को अमृत वेला क्या करना है, कम से कम 2020 की अमृत वेला अच्छी करो। आगे पता नहीं कैसा समय आने वाला है, आगे चल करके घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे।
सेंटर पर आने की तो बात ही छोड़ो, ये बाबा का महावाक्य है, बच्चे जो करना है अब कर लो, आगे चल करके घर की खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे, ऐसे ऐसे जब विनाश शुरू हो जाएगा, दुआएं ऐसे कोई वायरस घूमते रहेंगे, कई बीमारियां फैलती रहेगी, नई नई बीमारी जो आप देख रहे हैं ना। इसलिए आलस के नींद में नहीं सोना, अलर्ट होकर के योग करना है, टाइम पास वाला योग नहीं करना है, थोड़ा देर करके बैठो, थोड़ा भी योग करो लेकिन अलर्ट होकर के बैठो। तो अमृत वेला सभी को क्या करना है, आज से एक्टिव होकर के बैठना है। कई क्या करते हैं, 2 बजे उठेंगे, योग करेंगे, फिर नींद आई, फिर सो जाएंगे। आपने ओवर टाइम किया लेकिन ड्यूटी में गए नहीं, क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। इसलिए किसने कहा कि आपको 2 बजे उठो? इसलिए आराम से आपकी जो असली ड्यूटी है, असली ड्यूटी हमारी है 4:15 से लेकर के 4:45, उस समय अलर्ट होकर के बैठना। जरूरी नहीं कि आप 2 बजे उठो, क्योंकि हर एक की नींद का स्टॉक रहता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी, कई क्या करेंगे, अलार्म लगा करके उठेंगे, वहां से तो उठेंगे बाबा के कमरे में आकर के फिर सो जाएंगे। नींद क्यों पूरी नहीं होती? नींद न होने का कारण है सारा दिन निगेटिव विचार। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, दूसरे के पर चिंतन करता है, उसको अमृत वाला नींद आएगी, क्योंकि सारा दिन निगेटिव सोचने से आत्मा थकी हुई है। जिसको रात को सोते समय स्वप्न ज्यादा चलते हैं, स्वप्न चलते हैं, उसकी भी नींद पूरी नहीं होगी। स्वप्न क्यों चले? क्योंकि रात को सोते समय बाबा की याद में नहीं सोए। अमृत वेला अच्छी करने के लिए रात को सोने से पहले क्या करो, आधा घंटा 20 मिनट योग करो, फिर सो जाओ। लेकिन कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा को कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, अभी मुझे नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, बाबा आप जरूर जगा देना। और फिर कहेंगे बर्तन मांझना है, फिर ये करना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये सारी बातें याद करते करते सो जाएंगे। तो बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है, वो सवेरे अमृत वाला आपको जगाता है, जगाने में घड़ी की तरफ नजर जाएंगी, कहेंगे अभी तो 4:05 कमाए, थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा कहीं उठ भी जाएंगे जबरदस्ती, योग करने के बजाय नमाज पढ़ते रहे, जैसे नमाज में ऊपर करता है फिर नीचे करता है, मोती चुभ रहे जैसे। इसीलिए ये क्यों हो गया, क्योंकि रात को सोने के पहले आपने ऐसा विचार किया। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना। योग में नींद नहीं करना है, इसलिए रात को सोने के पहले थोड़ा सा योग करके बाबा को समाचार सुना करके, जैसे कल मैंने बताया कि गाड़ी को गैरेज में लगा दो और सोने के लिए कहां जाओ, अपने घर में बाबा के पास जाओ, बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ। अगर रात को सोते समय आपको जितने स्वप्न कम चलेंगे, संकल्प कम चलेंगे, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, आज साइंस वाले भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है डीप स्लीप में सो जाओ, और जो डीप स्लीप में सोता है उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है। जिसको स्वप्न चलते हैं, जिसको निगेटिव विचार चलते हैं स्वप्न में भी, तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और इसीलिए आज योग में नींद आती है। इसलिए बाबा के याद में सो जाना। सवेरे अमृत वाला तो बाबा आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है, कौन आता है, आलस। आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी हुई है। अमृत वाला आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे सो जाओ, अभी सर्दी बहुत है सो जाओ, आपकी तबीयत खराब, बहुत मीठा बोलेगा। अगर आलस के साथ सवेरे दोस्ती की तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माया क्या करते हैं, रोज आपको मारने के लिए चक्रव्यूह बनाती है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, सभी महारथी पीछे बैठे थे, चक्रव्यूह बनाया था, और एक सैनिक को भेजा, उसको ललकारो, पीछे लेके जाओ, मारने का काम हम कर देंगे। तो क्या होता है, उस
एक सैनिक ने उसको अभिमन्यु को ललकारा, अरे हे अभिमन्यु तुम महारथी तुम मेरे साथ लड़। उसको लगता है अरे छोटा सा सैनिक मेरे को ललका रहे हैं। उसका पीछा करते गया करते गया करते गया, अर्जुन से दूर लेके गया और वहां चक्रव्यूह बनाया था और सभी ने मिलकर के ऐसी बेमौत मारा अभिमन्यु को। ये संगम युग के यादगार है। संगम युग में भी हमें क्या करता, आलस्य, काम करो सवेरे नहीं आएंगे, आलस आएगा, सुलाएगा, तीन चार दिन तक सुलाएगा, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा, बाबा से तो दूर हो गए, बाबा भी आपको कुछ नहीं करेगा फिर, क्योंकि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे बेमौत मारेगा, सारी कमाई चट कर देगा। इसलिए रोज सवेरे उठते ही किसका खून करो, आलस का खून करो। कभी भी अलबेलापन होकर के नहीं बैठो योग में, अलर्ट होकर के बैठो। और जब अपने अमृत वाला अच्छी की, आलस मर गया। जब आलस मर गया, माया की कोई भी सैनिक वहां नहीं आएगा। जिस समय अपने अमृत वाला योग अच्छा क्या, काम भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा, कोई विकार आपके ऊपर वार नहीं करेंगे। सवेरे चार से पांच के बीच में जो गधीले पर सोता है उसको गधाई मिलेगी। अगर भविष्य की रजाई चाहिए, सवेरे क्या करो, रजाई का त्याग दो। आजकल सभी को क्या अच्छी लगती है, सवेरे, और जो रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको गधाई मिलेगी। इसलिए रजाई का त्याग करना, रजाई मिलेगी। श्री अमृत वेला हमें अच्छी तरह करने के लिए रात को सोने से पहले एक कोई अव्यक्त मुरली पढ़ो, रोज एक अव्यक्त मुरलियों की किताबें मिलती है, रोज एक मुरली पढ़ के सो जाओ, सारा दिन जो गलत हुआ है वो सब मिट जाएगा, एक उमंग उत्साह में आप सो जाएंगे, अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। कोई लक्ष्य लेकर के सो जाओ। कई क्या करेंगे, अमृत वेला के समय कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, योग में बैठेंगे फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जो भी कोई संकल्प विकल्प है सब करेंगे। आप कोई मेहमान घर में आया, कहूंगी यहां बैठो, नहीं नहीं उठो, यहां बैठो, नहीं नहीं यहां बैठो, नहीं यहां बैठो, वो कहेगा कहीं भी नहीं बैठा, मैं जा रहा हूं। इसी तरह हम अमृत वेला क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं किया शक्ति स्वरूप हूं, नहीं नहीं आनंद स्वरूप हूं, नहीं नहीं प्रेम स्वरूप हूं, नहीं दस जगह पर नहीं घूमू, एक कोई स्थिति का अनुभव करो। इसलिए रात को सोने से पहले सोचना है कि कल सवेरे मुझे क्या अनुभव करना है, कल सवेरे मुझे शांति का अनुभव करना है। और एक शांति के चेयर पर बैठो, मैं शांति धाम की निवासी हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। उस एक डीप में साइलेंस में जाओ, उसका अनुभव करो, सारा दिन आपको शांति का अनुभव रहेगा। कभी शक्ति का अनुभव करो, एक एक स्वरूप का अभ्यास करो। इसलिए अमृत वेला सफल बनानी है। दूसरा, क्लास के पहले रोज आधा घंटा योग करना है। इसे कल भी अटेंशन दिलाया था मैंने आपको, क्लास के पहले जहां जहां भी आप सेंटर पर जाते हैं, वहां सेंटर पर जाने से, सेंटर पर अमृत वेला करो घर में, उसके बाद सेंटर पर जाओ और मुरली से पहले आधा घंटे का क्या करना है, योग। कौन कौन करता है जो रोज मुरली के पहले आधा घंटे का योग करता है, वो हाथ खड़ा करो, बहुत कम है, बस मुश्किल से 10-12 लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मुझे लगता है संगठन का योग आपको कब मिलता है, कब मिलता है, केवल क्लास के पहले का योग हमारा संगठन का योग मिलता है। तो आज से एक दृढ़ संकल्प लो इस भट्टी से, मुझे रोज क्लास के पहले 5 मिनट 10 मिनट वो गिना नहीं जाएगा, बिल्कुल आधा घंटा चाहिए। और उसके लिए आप कोई बहाना नहीं बनाओ, आज ये बीमारी आएगी, बीमारी आएगी तो बहाना करेंगे, नहीं नहीं ये वायरस तुम जाओ, अब मुझे मैंने योग नहीं किया, नहीं किसी से वो महाकाल है, अगर कोई मौत आता है वो उस समय वो व्यक्ति कहता है मैं खाना नहीं खाया, खाना खा के भी जाऊंगा, तुम्हारी इधर गिट्टियां यहीं छोड़ चल पहले। इसलिए ये समय चल रहा है नाजुक, इसलिए अब हमें ये जरूरी चीजें, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना है, हमें रोज क्लास के पहले जाकर के आधा घंटा योग करना है। क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर सेंटर का वायुमंडल आप अच्छा बनाओ, लोग अपने आप भागे हुए आएंगे सेंटर पर।
अगर अंधेरे में कोई दीपक जल रहा है तो सबका ध्यान कहां जाएगा? वो दीपक की तरफ जाएगा। इसी तरह ये सेंटर क्या है, इस संसार रूपी अंधकार में एक दीपक है, तो इसलिए यह दीपक को प्रज्वलित करने के लिए योग तपस्या चाहिए। सेंटर पर आकर के हमें वायुमंडल को कभी खराब नहीं करना है। किसी के दोष देखेंगे, परचिंतन की बातें करेंगे, यहां कोई देहभान की बातें करेंगे, राजनीति करेंगे, सेंटर का वायुमंडल खराब होगा। तो सेंटर है बाबा, सिवाय ज्ञान योग के हमें कोई भी बातें नहीं करनी है, कोई धंधे दौरी की भी बातें नहीं करनी है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम्हारा क्या हुआ, वो कोई लेना देना नहीं। हम कोई बिजनेस की बातों के लिए नहीं आ रहे यहां। इसलिए सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाओ, और उसका आधार है क्लास के पहले का योग। तो कल से आप सभी ने दृढ़ संकल्प लेना है, हम रोज क्या करना है, आज से बिल्कुल क्लास के पहले योग लगाना है। उसके लिए सारी बातों को छोड़ करके एक साल तक 2020 दिसंबर 31 तक हमें ये योग जरूर करना है। आज से देखो आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जैसे बताया, जब धान डालते हैं खेती में तो क्या करते हैं, हल चलाते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले आधा घंटा योग करना जरूरी है, तब मुरली समझ में आएगी। नहीं तो कईयों को मुरली समझ में नहीं आती, मुरली में बाबा ने क्या इशारा दिया है। मुरली को समझने के लिए योग जरूरी है। बिना योग करके जो मुरली सुनता है, शाम तक उसका मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। पहले जमाने में मटकों में मक्खन निकाला जाता था, मटके में माताएं क्या करती थी, और वो कितना बजे निकालती थी, दोपहर को नहीं निकालती थी, सवेरे सवेरे ठंडे मौसम में निकालती थी। ठंडे मौसम में मक्खन अच्छा निकलता है, मटके में क्यों निकालते हैं, मटका ठंडा होता है। इसी तरह दिमाग भी हमारा क्या है, एक मटका है, और ये मटका जितना ठंडा रहेगा उतना मक्खन निकलेगा। लेकिन आजकल सभी के मटके गर्म हो गए हैं, और इसलिए मक्खन के बजाय जहर निकलता है, हर एक के प्रति जहर भरा हुआ, ये ऐसी है, ये ऐसी है, सभी के प्रति निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए आज से आधा घंटा क्लास के पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। ये दृढ़ संकल्प लो। तो कितना घंटा योग हुआ, एक घंटा अमृत वाला हुआ, क्लास के पहले आधा घंटा हुआ, कितना घंटा हुआ, डेढ़ घंटा। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट आधा घंटा जितना, कितना हो जाएगा, दो। सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल पता है, 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे। अब कहीं को लगता है हमको ट्रैफिक कंट्रोल पता ही नहीं चलता कब होता है। आजकल मोबाइल आता है, मोबाइल में ऐप आता है, हर घंटे में बजता है। अगर वो भी याद नहीं तो आप हर कर्मों के बाद योग करो। समझो आपको कहीं मार्केट में जाना है तो आप क्या करो, बाबा का फोटो आपके घर में है, और हर एक को अपने घर में बाबा का फोटो जरूर रखना है। तो बाबा के सामने जाकर के बाबा को सुनाओ, बाबा मैं थोड़ा मार्केट में जा रही हूँ, चलो आप भी साथ में, ऐसा 2 मिनट, जैसे कोई बुजुर्ग हम बोल के जाते हैं, इसी तरह बाबा को बोल के जाना, बाबा को साथ में लेके जाना। वो वापिस जब आते हैं, आते ही क्या करो, पहले बाबा के पास जाओ, उसके बाद आगे का काम करो। खाना बनाना शुरू करना है तो 2 मिनट बाबा को याद करके फिर शुरू करो, खाना पूरा हुआ 2 मिनट बाबा को याद करो। इस तरह से हर कर्म के बाद याद करो तो भी आपका ट्रैफिक कंट्रोल में गिना जाएगा। इसलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल, और उसके बाद शाम का नुमा शाम का टाइम 6:30 से 7:30, ये भी योग का बहुत महत्व का टाइम होता है। अगर उस समय घर में फ्री है सेंटर पर आओ। मुझे लगता है अमृत वेले से भी अच्छा टाइम है शाम का नुमा शाम का टाइम। उस समय ना नींद आती है, पंछी अपने घरों में जाते हैं, खेती वाले अपने घर में आते हैं, ऑफिस वाले अपने घरों में आते हैं, एक बहुत अच्छा वायुमंडल होता है, और मधुवन के नियमों अनुसार वो योग का टाइम है। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, अगर सेंटर पर नहीं आ सकते घर में बैठ करके आधा घंटा योग करो, लेकिन योग जरूर करना है। तो कितना घंटा हो गया, 2.5 घंटा हुआ, 1 घंटा अमृत वाला, आधा घंटा क्लास के पहले, 2 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ रात को सोने के पहले, आधा घंटा, 2 घंटा हुआ सारा दिन का ट्रैफिक कंट्रोल, और नुमा शाम का योग, 2.5-3 घंटा ऐसे ही हुआ।
मैंने उसके लिए आपको ये नहीं बोला कि 2 बजे उठो 3 बजे उठो। अगर ये इस मधुवन के नियम, योग के बैठक योग के नियम को भी फॉलो करेंगे, 2-2.5 घंटा योग जरूर हो जाएगा। और जो 2-2.5 घंटा योग करता है उसको सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए योग जरूरी है। तो योग का महत्व क्या है, योग की विधि क्या है, योग कितना घंटा करना है, कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया। मोबाइल का एग्जांपल को याद रखना। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं जरूरी होती है। वो योग की धारणाएं क्या है उसके पर थोड़ी चर्चा करते हैं। योग के लिए सबसे महत्व की धारणा है, पहली धारणा है, अगर यथार्थ तो योग करना है अपने आप को आत्मा समझना जरूरी है। योग उनका लगता है जो आत्मा का अभ्यास करते हैं, जो आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते हैं वो योगी नहीं बन सकते। मुझे लगता है आज की भी मुरली भी थी, यथार्थ तो योग करने की विधि क्या है प्रश्न पूछा था बाबा ने। आपने आपको बिंदी समझना और बिंदी निराकार बाप को याद करना, यह योग की विधि। इसलिए जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे योग नहीं लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं साजन तुमको, तुम सजनियों को लेने के लिए आया हूं। और कैसे लेके जाऊंगा, पलकों पर बिठा करके लेके जाऊंगा। पलक समझा, इसको पलक कहते हैं। लेकिन कब लेके जाएगा, साजन तो बिंदु है और हम 60 किलो वाला होंगे तो साजन कैसा लेके जाएगा। जब तक बिंदु नहीं बनेंगे तब तक बिंदु साजन लेके नहीं जाएगा। जब देह भान में होते हैं तो बाबा को आपकी बदबू आते है, वो आपसे दूर भागता है। बाबा को नजदीक खींचने का तरीका है आत्माभिमानी होकर के बैठो। इसलिए योग लगाने के लिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। आत्मा का अभ्यास, उसके लिए कल मैंने डिटेल में शायद उसके बारे में बताया था, हमें आत्मा का अभ्यास कैसे करना है। 6-7 बातें सुनाई थी, गाड़ी को गैरेज में लगाना, 7 स्वरूपों का अभ्यास, पवित्रता की धारणा, यथार्थ योग, कई बातें बताई थी। और जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे आपको योग बहुत ईजी। जो आत्माभिमानी है परमात्मा उसके साथ कंबाइंड है। जो आत्माभिमानी है उसको घर याद आएगा, परमधाम याद आएगा, परमात्मा की सारी शिक्षा याद आएगी। जब अपने आप को भूल जाते हैं तब परमात्मा को भी भूल जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा करनी है। दूसरी धारणा है, अगर योगी बनना है उसके लिए परमात्मा के श्रीमद प्रमाण चलने की धारणा करनी है। जो परमात्मा के श्रीमद प्रमाण चलता है उसका ही योग परमात्मा से लगता है। और पर बाबा के तो श्रीमद बहुत है। जैसे कोई भी मां बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं, कब करते हैं, जब वो बच्चा मां का कहना मानता है। अगर कहना नहीं मानेंगे तो मां उसको प्यार नहीं करेगी। सवेरे जल्दी उठाती है, ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करता है, शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखते हैं मैंने जो उसको कहा वो करके आया नहीं, करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते हो मैं यही ठीक हो। अच्छा जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, तुमको मैंने कितना अच्छा कहा तुम गंदा हो क्या। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी क्या करती, उसको प्यार करती, खिलाती, गोदी में बिठाती। इसी तरह परमात्मा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है। मुरली क्या है, मम्मी का कहना, डायरेक्शन, आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, निगेटिव नहीं सोचना, कई डायरेक्शन दिया है। मुरली को 2 कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और 2 कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। अगर सारा दिन मुरली में जो कहा वैसे करेंगे, शाम को आएंगे योग में बैठेंगे, योग में बाबा का प्यार अपने आप मिलेगा। अगर योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता जरूर मैंने कुछ गलतियां की है। इसलिए बाबा का श्रीमद बहुत जरूरी है। जितना बाबा के श्रीमद प्रमाण चलेंगे बाबा का प्यार मिलेगा। इसलिए श्रीमद क्या है, सबसे पहला श्रीमद है अमृत वेला का योग करना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, वो योगी बन जाता है। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, एक तो लोक ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे,
अगर हम ब्याज पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोक लाज आते हैं। फिर भी यूपी में लोक लाज तो कम है, हम तो राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में जब माताएं क्लास में आकर के बैठती हैं तो घूंघट लेकर के बैठेगी, अगर उसको दृष्टि लेना है घूंघट को ऐसा करके ऐसा ऐसा करती रहे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का टर्न था मधुबन में, बहुत सारी माताएं आई थी क्लास में मधुबन में सेवा के लिए, तो एक माताजी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी, तो मैं कुछ काम से वहां खड़ा था, तो माताजी जब फोन कर रही थी तो देखा उस समय घूंघट नहीं था कुछ नहीं था, जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी, तो मैं तो देखते रहा। जब उसका फोन पूरा हुआ मैंने माताजी को पूछा, माताजी आप घूंघट से क्यों बात कर रही थी? अब ससुर जो है जयपुर में और वे माउंट आबू में 500 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ससुर जी ने वहां देखा तो नहीं, मेरी बहू तो वहां माउंट आबू जब से गई बिगड़ गई, घूंघट भी नहीं ले रहे। तो मेरे को लगा कितना ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट है, देखो ये रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। अगर अमृत वाला नहीं उठूंगी ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनने के लिए जाऊंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, ब्याज नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इस परम ससुर जी के कोई रिस्पेक्ट नहीं, और एक जन्म की ससुर जी की रिस्पेक्ट है। इसलिए अगर हमें लोक लाज करनी है किसकी करो, एक बाबा की लोक लाज करो, बाकी किसी देहदारी की लोक लाज करने की कोई जरूरत नहीं। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे और पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। हमारा मन थोड़ी होशियार है, ना मनमत पर चलो ना परमत प्रमाण चलो, कैसे चलो? श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार भगवान है, और मनमत परमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार खुद है। इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जितना जो श्रीमत का पालन करता है इसका मतलब हम श्रीमत प्रमाण नहीं चलते। दो प्रकार के बीके, एक कच्चे ब्राह्मण दूसरा पक्के ब्राह्मण। कच्चे ब्राह्मण है त्रेतायुग वाले और सच्चे ब्राह्मण है सत्ययुग वाले। तो आप कौन सी लिस्ट में है, कच्चे पक्के? कच्चे ब्राह्मण उसको कहेंगे जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, भाना कोई भी मनाएंगे। अगर जिसका बाबा के ऊपर विश्वास है निश्चय है उसकी निशाने वो बाबा के श्रीमत का फॉलो करेंगे। कई बार मैं ट्रेनों में इधर उधर जाता हूं, कई लोग मिलते हैं, अच्छा कहते हैं आप ओम शांति वाले हैं, हम भी बाबा को मानते हैं, हम भी ये करते हैं। हमने कहा क्लास में जाते हैं? नहीं क्लास में तो नहीं जाते हैं। अमृत वाले उठते हैं? नहीं अमृत वाले वो तो नहीं उठते हैं। तो हमने कहा काय को मानते हैं फिर? हाँ बाबा को मानना अर्थात बाबा के श्रीमत को मानना। और जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं उन्होंने बाबा को नहीं समझाए, ज्ञान को भी नहीं समझाए। वो कोई ना कोई बहाने से आते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, इसी बहाने के लिए आ रहे, कोई काम के निकालने के लिए आए, बाकी विश्वास नहीं है उसका। जिसका विश्वास है वो श्रीमत को फॉलो करेगा, चाहे खान पान का श्रीमत, चाहे हर चीज का श्रीमत। लोक लाज नहीं करो, करते करते कहां पहुंच गए, अभी फिर भी करेंगे तुम। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना यह है धारणा। तो कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे योग में बैठते ही बाबा बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बाबा प्यार करेगा। प्यार दो तरफ से होता है, हम कहेंगे बाबा और बाबा भी सामने से कहेंगे बच्चे। हम बाबा बाबा बोल रहे हैं लेकिन सामने से प्यार ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर मेरे से गलतियां हुई है। जब बच्चा जब मम्मी के पास आता है उसका सिर जब झुका हुआ होता है मम्मी समझती है कुछ गलती करके आया है। इसी तरह योग में बैठते हैं मेरा सिर नीचे है इसका मतलब कुछ गलतियां हुई है। जो श्रीमत प्रमाण चलता उसका सिर टाइट रहता है, ऐसा बोझ के कारण भी सिर नीचे झुका रहता है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषण प्रतिज्ञा लो। सत्युग में जाने के बाद बाबा नहीं कहेगा अमृत वाला उठो, मुरली सुनने के लिए आओ, तन मन धन से सेवा करो, शुद्ध भोजन खाओ, नहीं मिलता आपको। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना जरूरी है। यहां तो कोई बाबा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे हैं, नारियल लेके आओ, मेरे पांव धुलाई करके ले आओ। आज भगत कितना क्या क्या करते हैं। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषण प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है।
और जितना श्रीमद् प्रमाण चलेंगे उतना हमारा योग लगेगा। ठीक है, ये दो धारणा बताई। तो और आगे की धारणा फिर हम थोड़ा सा 10 मिनट योग करके फिर बाद में सुनेंगे। ठीक है, इसमें ट्रैफिक कंट्रोल भी हो जाएगा और साथ में 10 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे। जो आपको विधि बताई उस विधि अनुसार योग करेंगे। अभी 10-15 मिनट फिर आगे की धारणा सुनाऊंगा मैं। सभी कमेंट्री से योग करेंगे, सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। सभी अपने आप को एक लाइट, एक ज्योति बिंदु अनुभव करेंगे। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को यहीं रख करके धीरे धीरे अपने अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार, जैसे मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा ने मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया, जैसे बाबा ने गले लगाया मैं लाइट माइट की अनुभूति करती जा रही। मेरी सारी थकान मिट गई, अब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके फरिश्तों के महफिल में लेके जा रहे हैं, जहां अनेक वरिष्ठ दादियां, मम्मा, सभी की सभी से मैं दृष्टि ले रही हूं। सबसे दृष्टि लेते लेते वापिस मैं बाबा के पास आती हूं। अब बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है, अब मेरे प्रकाश के शरीर को यहां ही छोड़ो। मैं आत्मा बिंदी बन करके अपने मूल वतन में परम धाम में जा रही हूं। जैसे मैं परम धाम में जाती हूं मैं अपने आप को चार्ज कर रही हूं। मैं परम धाम में लाल सुनहरी प्रकाश में डीप साइलेंस होम में हूं। बाबा के सानिध्य से मैं चार्ज हो रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं।
शिव बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप की अनुभूति करती जा रही हूं। बाबा शक्ति का सागर है, मैं शक्ति स्वरूप की अनुभूति करती जा रही हूं। शिव बाबा के पास आने से मेरे जन्म जन्मांतर के विकार में विनाश होते जा रहे हैं। मैं पाप जा रही हूं, ज्ञान के सागर में मैं डुबकी लगाती जा रही हूं। मैं तृप्त बनती जा रही हूं, भरपूर बनती जा रही हूं। ये मूल वतन ही मेरा असली घर है। मैं अपने घर में अपने पिता के साथ मिल रही हूं, प्रभु मिलन मना रही हूं। मैं शक्ति पूंज बनती जा रही हूं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे प्रभु मिलन कर वापिस धीरे धीरे इस साकारी दुनिया में आती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश किया हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो रही। अब मुझे ज्योति को सदा जागृत रखना है। सभी के साथ भाईचारे से रहना है। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। तो बात चल रही थी तो योग कैसे लगाना है, योग की विधि क्या है, योग का महत्व क्या है, कितना घंटा योग करना है, साथ में योग के लिए कुछ धारणाएं क्या क्या है। तो दो धारणा के बारे में चर्चा की। पहली आत्मा समझना, दूसरी श्रीमत का पालन, और तीसरी एक बहुत गहरी धारणा है वो है अगर योगी बनना है तो परचिंतन से बच करके रहना है।
पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से बच करके रहना, वही योगी बन सकता है। तो परचिंतन समझा, परचिंतन क्या होता है? दूसरों के बारे में सोचना, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, वो कहते हैं हाँ मेरी भी ऐसी है, वो अपने पति की सुना रहा है या अपने पति की सुना रहे हैं, इसको कहेंगे परचिंतन, परपंच। वैसे तो माता ही ज्यादा करती है परचिंतन, भाई भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती हैं। भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती है, क्योंकि माताओं को खाना बनाने के बाद टाइम मिलता है, और कहाँ जाएंगी, पड़ोसनी के पास। और क्यों करती है? तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन जो सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी वापस, सहन करेगी, चुप रहेगी, लेकिन वही बातें फिर पड़ोसनी को पानी भरने के बहाने जाएगी या माचिस लेने के बहाने जाएगी, सारी बातें सुनाएगी। वो भी कहेगी तुम भी कुछ बोला करो ना, तुम क्यों, तुम्हारा भी तो अधिकार है। वो अपने पति की सुना रहे हैं, अपने पति की सुना रहे हैं। जब पति शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, डांटता रहता है, झगड़ा करता रहता है। तो परचिंतन करने से क्या हो गया, और ही आपस में नफरत आई, घृणा आई। तो ऐसे परचिंतन से कौन कौन बचे रहते हैं? कभी परचिंतन करते ही नहीं, ऐसे कोई होगा तो हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही है। अच्छा, हाथ खड़ा नहीं कर रहे, मतलब लगभग सारे करते हैं, तो क्या क्या फायदा होता है उससे बताओ। परचिंतन करने से फायदा क्या क्या है? करते होंगे तो फायदा तो होगा, तब तो कर रहे हैं, क्या क्या फायदा है बताओ। पहला फायदा बताओ कि परचिंतन करने से हमें फायदा मिलता है इसलिए हम करते हैं, क्या फायदा होता है? तो फायदा नहीं होता तो फिर करते क्यों, होता रहता है। और जो परचिंतन करेगा वो ज्ञान का चिंतन कैसे करेगा, इसलिए आज से ये पक्का करके जाओ, मुझे आज से कभी परचिंतन नहीं करना है। क्योंकि माताओं के बातें ठहरती नहीं, एक कमजोरी है माताओं की, एक तो सहन शक्ति की कमी और दूसरी परचिंतन। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है, इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है, क्यों, अगर माताओं को सुनाएंगे उनके पेट में बातें ठहरेंगी नहीं, सबको सुनाएंगे। और इसलिए माताओं की संख्या भाइयों से ज्यादा है, देखो ताली तो बजाओ। तो उनको पता है कि भाई यहां भट्टी होने वाले हैं, ये को कहेंगे तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको बुलाए, कितने लोग आए, देखो। तो ज्ञान की बातें तो भले सुनाओ लेकिन व्यर्थ बातें किसी को नहीं सुनाओ, क्योंकि व्यर्थ बातें सुनाने से उसका भी घाटा और खुद का भी। इसलिए आज से इस परचिंतन से बचना, क्योंकि परचिंतन और योग इसका कनेक्शन क्या है, समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपना बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, भाई ऐसे है, पति ऐसे है, सास ऐसे है, सारा दिन परचिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम, मैं तू क्या भूल गया कि मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहां से भाग जाओ। प्रैक्टिकल बातें, भगवान से प्यार करने के लिए भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान आपको प्रिय चाहिए। बाबा सबको कहता है मीठे बच्चे, और हम कहते हैं इसको कोई अकल ही नहीं है, तो क्या भगवान से हम होशियार हो गए? इसलिए परचिंतन करेंगे तो योग नहीं लगेगा। इसलिए आज से यह पक्की धारणा करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा। तो कौवा बनना है, हंस बनना है, हंस का कलर कैसा है, व्हाइट है, और कौवे का कलर काला, अंदर भी काला और बाहर भी काला। दो चार जन मिलकर के किसी की बुराई करें, और ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो करती है, वो करते हैं, अचानक आई, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे।
मुख में राम बगल में छुरी। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं बैठेगा। सरस्वती कव्य के ऊपर नहीं बैठेगी, हंस के ऊपर बैठती है। इसी तरह ज्ञान जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा, मुरली का एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं उसको खुशी कैसी रहेगी, वो योग क्या कर सकता है, सारा दिन उसका चेहरा उदास रहेगा। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है, क्यों परचिंतन है। इसलिए परचिंतन से बचना, किसी की भी दोष नहीं देखना, अवगुणों का वर्णन नहीं करना। तो यहां से इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे किसी का परचिंतन। सुदर्शन चक्र घुमाने से गला कटा, किसका सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो माया का गला कट जाएगा, अगर उल्टा चक्र घुमाएंगे तो किसका गला कटेगा, खुद का गला कट जाएगा। खुद का गला कटना अर्थात टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी परचिंतन नहीं करो। परचिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। 84 जन्म की सीढ़ी देखे ना, 84 जन्मों की सीढ़ी, थोड़ा सा योग लगाया सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, ज्ञान सुना सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, लेकिन थोड़ा सा किसी का परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी ऊपर चढ़े नीचे उतर गए। अगर यही करते रहेंगे तो सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, और विनाश तो अभी देख रहे हैं। देखो अब मार्च महीना है और ऐसा बरसात आ रहा है जैसे सावन महीना चल रहा है, और अब तो चाहिए, कहते ना सर्दी होली होने के बाद क्या होते हैं, ठंडी को भी ठंडी खत्म हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि प्रकृति कहते हैं आप चलो घर बहुत हो गया, और कहते हैं अभी ये वायरस के लिए गर्मी चाहिए, लेकिन और ही गर्मी और ठंडी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये कोई ना कोई बहाना है सबको लेके जाने का। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब अपना टाइम परचिंतन करके, दूसरों का चिंतन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना टाइम सफल करो। तो आज से कभी किसी का परचिंतन, अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे तो उसको तो भगाएंगे ना। इसी तरह कोई किसी की व्यर्थ बातें आपको सुना रहा है तो उस समय हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं कहीं, और क्या हुआ बताओ ना, वो कचरा डाल रहे हैं उसके लिए चाय पानी पिला रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ, बैठो और क्या हुआ बताओ। भगवान ने कान को हमें व्यर्थ बातें सुनने के लिए नहीं दिया है, मुंह किसी का परिचिंतन करने के लिए नहीं दिया है। बेकार जो कान है जो बेकार की बातें सुनते हैं, महान कान वो है जो ज्ञान की बातें सुनते हैं। जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर मत डालो। इसलिए परिचिंतन हमें नहीं करना, क्योंकि अब समय वो नहीं है। एक बार एक शिष्य एक भगत था, यात्रा करने के लिए आया था ऊपर से, तो यात्रा करते 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 उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। अब उसको डर लगने लगा कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके वो चलता है। अचानक पीछे मुड़कर देखा एक शेर उसके पीछे लगा है, अब उसको तो घबरा गया, शेर अभी पकड़ने वाला है, तो दौड़ता है, वो दौड़ता है पीछे मुड़कर फिर दौड़ता है, तो अचानक वो दौड़ रहा था पीछे मुड़कर गए, वो यात्री कुएं में गिर गया, क्योंकि कुएं को कोई दीवार वगैरह नहीं थी, प्लेन कुआ था, बहुत गहरा कुआ था, वो कुएं के अंदर गया। जैसा नीचे गिर गया वो नीचे भी नहीं गिर गया, बीच में बेल पत्ती पर लटक गया, तो उसको जान में जाना या अच्छाई में नीचे गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया, लेकिन उसने ऊपर जब सिर करके देखा उसको लगा शेर तो आगे गया होगा, लेकिन जैसा ऊपर सिर करके देखा वो शेर नीचे देख रहा था। वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री को लगता है देखता हूं पानी कितना है, पानी देखने के लिए उसने सिर नीचे किया। जब सिर नीचे किया एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके बैठा था उसके तरफ आ रहा था, वह यात्री की तरफ, क्योंकि जैसा आवाज आया उसको लगा कोई शिकार मेरे लिए आई।
अगर वो यात्री अजगर से बचने के लिए ऊपर जाता तो क्या होता, शेर खा लेता। इतने में उस यात्री की नजर गई जिस डाली पर वो लटका था। उस डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो डाली कटती तो क्या होता, सीधा ही वो अजगर के मुंह में जाता। वो यात्री क्या करता है, अगर ऊपर जाता तो शेर खा लेता, बैठा रहता तो भी, माना कोई भी हालत में वो बचने वाला नहीं था। उस यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी उसके श्वास रहे हैं उस श्वास को सफल करने के लिए क्या करना है, भगवान को याद करना है। लेकिन भगवान को याद करने के बजाय वो यात्री क्या करता है, नीचे से नीचे ऊपर से गिरा था तो वहां मधुमक्खियां बैठी थी, वो उठ के चली गई थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री का क्या करता है, शहद चाटने में मस्त हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी ऊपर से आए थे यात्रा करने के लिए। सतयुग त्रेता की यात्रा तो हमारी अच्छी हो गई, लेकिन आज हमारी यात्रा कहां चल रही, कलयुग में। और इसी कलयुग की यात्रा में सबके पीछे शेर लगा हुआ है, विनाश रूपी शेर। और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग आजकल चंद्रमा पर प्लॉट लिया हुआ है ताकि यहां कुछ हो जाएगा तो कहां चले जाएंगे, चंद्रमा। कई ने तो कोई देशों में समुद्र के नीचे कांच की दीवारें बांध करके प्लॉट बना करके उसमें रहते हैं, अगर कुछ ऊपर हो गया तो नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। परमात्मा कहता, मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं यहां आया हूं सारी जीवात्मा को परमधाम लेके जाने के लिए। इसे कोई भी बचने वाला नहीं। अगर कोई चंद्रमा पर भी जाए, ऐसे कोई बॉम्ब्स के धुआं निकलेंगे, ज्वाला निकलेगी, जो उसका धुआं कोई भी आत्मा को यहां रखेगा नहीं, सबको लेके जाएगा। इसलिए हमारे श्वास कैसे हैं, अब गिनती के श्वास है। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, नीचे से ज्वालामुखी हैं, धरती फट जाएगी, शहर के शहर उसके अंदर जाएंगे। अभी तो एक वायरस सिर्फ निकला हुआ है और उस समय प्रकृति का उधर से प्रकृति के बातें आएगी, पांच तत्व परेशान करेंगे तो उस समय। इसलिए क्योंकि हर 5000 साल के बाद यह घटना होती है और सबको वापिस जाना है, तो कारण तो बहाने तो कुछ भी बनेंगे। इसलिए एवर रेडी बनो, अपने पुण्य की गठड़ी को जमा रखो। इसलिए आप परचिंतन करने का, किसी को दूसरों को देखने का, अवगुणों को देखने का समय नहीं है। समय है सो चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का, ज्ञान का चिंतन करने का, मनन चिंतन करने का। इसलिए अब हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करना है। नहीं जैसे वो यात्री क्या करता है, शेर चाटने में मस्त हो गया, इसी तरह कई क्या करते हैं, टीवी देखने में, व्हाट्सएप देखने में, पैसा कमाने में, बैंक बैलेंस करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किसी को पड़ोसनी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। अब ये समय नहीं है, समय है अपनी बैग बैगेज को तैयार रखो। तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है, हाथ खड़ा करो। सब जाने के लिए तैयार है, तैयार किसको कहेंगे, तैयार मतलब जो अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विदेही स्थिति में रहते हैं, जिन्होंने ज्ञान योग भरपूर किया वो तैयार है। कई तो इसीलिए हाथ खड़ा किया, दुनिया में भी कहते हैं हे भगवान उठा लो, बहुत तंग आए, बच्चों से तंग आए, पड़ोसनी से तंग आए, इसलिए कहते हैं भगवान उठा लो, तो क्या उसको तैयार थोड़ी कहेंगे। तैयार उसको कहेंगे जिसकी स्थिति अच्छी है। क्या मैं सत्युग में जाने के लायक हूं, अभी मेरा का मन में बुद्धि मेरी ठीक नहीं है, किसी के दोस्त दिखते हैं, सत्युग में भी ऐसे करेंगे। इसलिए अपर चिंतन से बचे रहो। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता, हम कहते अच्छा 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 और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, जब सिर हिलाने का तो सुनाने वालों को इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कोई भी निगेटिव बातें सुनाता है सिर हिलाओ ही नहीं। बाबा कहते जीते जी मर जाओ, आप लोग मरे जिंदे, मरे हुए, मरे होगा थोड़ी सिर हिलता, अच्छा और क्या हुआ, अगर अच्छा और क्या हुआ बोल रहे हैं इसका मतलब जिंदे हैं। इसलिए मर जाओ, अशरीरी बनना अर्थात मरना।
किसी के भी कोई सुना रहे हैं मेरी बहू ऐसा है बेटा ऐसा ऊपर। मुझे याद है मैं गुलजार दादी के साथ भी 10 साल रहा हूं दिल्ली में। तो गुलजार दादी वैसे तो झोनल इंचार्ज भी है, बाबा भी आता है और साथ में झोन का भी सेवा करते हैं। तो कभी कभी दादी के पास बहुत सारी बहनें आती थी मिलने के लिए गुलजार दादी को, क्योंकि दादी मेरे को पहले बोलती थी कि भाई देखो 10-12 बहनें आने वाले हूं, तुम उसका नाश्ता भी बनाना, ऐसी बोलती थी। तो जब बहनें दादी को मिलकर के नाश्ता करने के लिए आती थी, मैं पूछता था आप दादी से मिले, कहते दादी तो बात ही नहीं करती। मैंने हमने कहा ऐसे थोड़ी होते, दादी तो बात करती है। मैंने कहा आपने कोई किसी की कंप्लेन तो नहीं करे थे? हाँ, मेरे हमारे पास एक छोटी बहन है ना, उसकी कुछ बातें सुनाने वाली थी, इसलिए जब सुनाना शुरू किया दादी तो चुप हो गई। मैंने कहा वो छोटी बहन को आपने विशेषता नहीं सुनाई, दादी 2 बजे उठती है, सारा घर का पोछा लगाती है, सारा खाना बनाती है, वो नहीं सुनाया। कमजोरी सुनाने दादी किसी की जब कमजोरी सुनाती थी वो सुनती नहीं थी, वो ऊपर चली जाती थी, क्योंकि बाबा का रथ है ना, व्यर्थ बातें थोड़ी सुनेगी। लेकिन हमें कोई सुनाता है व्यर्थ बातें, अच्छा अच्छा और क्या, बड़ा इंटरेस्ट है, अगर उठ के भी जा रहे हैं और बताओ ना, थोड़े बैठो, कोई बात नहीं बैठो। इसलिए ये परचिंतन की बातें नहीं सुनना। जो परचिंतन की बातें सुनता है, किसी की नेगेटिव बातें सुनता है, वो आत्मचिंतन परमात्म चिंतन नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, भगवान को कहता है भगवान मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन्नति करना है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम क्या रखना, पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सबकी बुराई की चिट्ठी बनाकर डाली, और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे अंदर खुद के अंदर जो दोष है बुराई है उसकी चिट्ठी बनाकर डाली। लेकिन भगवान ने कहा जो दूसरे की बुराई को जो थैला है उसको पीठ के पीछे रखना, उसको बांध करके रखना, ना किसी को दिखाना, ना उसके बारे में तुम खुद सोचना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। और तो आगे वाला जो थैला है भगवान ने कहा उसको चिटकी को बार बार निकालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना और उस थैले को खुला रखना। बस तुम इतना करो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जाओ मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। भगवान ने उसको शिष्य को भगत को वरदान दिया, 2 थैले दिए, चला गया। कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, दूसरे की बुराई को थैले को आगे कर दिया और अपनी बुराई को थैले को पीछे रख दिया, बांध दिया उसको, और दूसरे की बुराई को थैले को खोल दिया और चिटकी निकालता है, खोल के देखता है अच्छा ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, दूसरों को बुला बुला करके सुनाना शुरू कर दिया। जैसे उसने थैले उल्टे के उसके वरदान भी उल्टे हो गए, वो और ही दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास कुछ साल के बाद फिर चला गया वो शिष्य, कहता है भगवान आपने तो मुझे वरदान भी दिया था, थैले भी दिया था, लेकिन मैं सुखी नहीं बना, मैं और ही दुखी हो गया। भगवान ने कहा अच्छा तुमने उस थैले को कहाँ रखा, कहता भगवान मेरे से थोड़ी कभी कभी भूल हो गई थी, मैंने पीछे का थैला कई बार आगे भी किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है और कुछ नहीं है। इसी तरह आज हम यहां क्यों आते हैं, क्यों आते हैं यहां, थोड़ा जीवन में सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीवन में आगे बढ़ते जाए, इसीलिए तो आते ना। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को कहां रखो, पीछे, और अपने बुराई को, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, दूसरे की बुराई को आगे करेंगे और अपने बुराई को नहीं, नहीं उसके कारण ऐसा हुआ, मैं ठीक हूं उसके कारण, बस वही करा भाई मैं ठीक हूं, और यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से क्या करेंगे, कभी भी दूसरे की बुराई को आगे नहीं लो, दूसरे का चिंतन नहीं करो, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर परचिंतन करते रहेंगे तो सत्ययुग में कब पहुंचेंगे, हमें तो नीचे सीढ़ी उतरने के लिए कितना जन्म लगे, 84 जन्म, 5000 साल लगे उतरने के लिए, और चढ़ने के लिए कितना जन्म है, 1 जन्म। और यह भी नहीं कि 1 जन्म में आपको ज्ञान मिला है, बचपन में कब ज्ञान मिला, अभी अभी किसी को 10-12 साल 15 साल मिला है, और आगे कितना दिन मिलने वाले वो भी कोई भरोसा नहीं है। तो कितना दिन मिलेंगे, 5000 साल उतरने के लिए मिले थे, और इसमें 100 साल भी नहीं है किसी को,
मुश्किल से किसी को 40-50 साल मिले और उसी 40-50 साल में पर चिंतन करते रहेंगे, औरों को देखते रहेंगे, तो ऊपर कहां चढ़ेंगे? फिर बीच में लटक जाएंगे फिर। इसलिए एक सेकंड भी हमें किसी को दूसरों को नहीं देखना है। सीढ़ी चढ़ना ही चलो, चढ़ते ही चलो, योग करेंगे सीढ़ी चढ़ गई, सेवा करेंगे सीढ़ी चढ़ गई, ज्ञान सुनेंगे सीढ़ी चढ़ गई, अमृतवला करेंगे सीढ़ी चढ़ गई, पर चिंतन किया जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना, अब यही करते रहेंगे नीचे ऊपर तो थक जाएंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना, ये पर चिंतन ब्राह्मणों में बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोई उल्टी करता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उधर जाओ उधर जाओ वाशरूम चले जाओ। कोई उल्टी करता है, उल्टी को देख करके भी हमें उल्टी आती है, इसीलिए उल्टी करते समय नाक बंद करके उसको भगाते हैं। और कोई भी उल्टी क्यों करता है? जो खाया वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ इसीलिए उल्टी करता है। इसी तरह परचिंतन भी क्या है? उल्टी। जो सारा दिन देखा सुना वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो इसीलिए वो उल्टी कर रहे हैं। कहां करता है उल्टी? परचिंतन किस में करता है? कान में। तो कान कोई वाशबेसन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वाशबेसन है, बीच में एक नली भी है। जब किसी को उल्टी आता है, परचिंतन आता है, अपने वाशबेसन को बुलाता है, इधर आओ, मैंने आज वंडरफुल बात देखी, आ जाओ, वो वाशबेसन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ। हाँ, अगर कोई उल्टी करता है हम उसको भगाते हैं, और यहां कोई उल्टी करता है तो अपने कान को वाशबेसन को आगे करते हैं। जिस कान में ईश्वरीय महावाक्य डालें उसमें अगर निगेटिव बातें डालेंगे तो अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए आज से हमें किसी की भी निगेटिव बातें ना सुननी है ना सुनानी है। जब कोई परचिंतन करता है इधर उधर नजर दौड़ाता है, कोई सुन तो नहीं रहा है, धीरे से जाकर चू चू करते रहेंगे कान में। परचिंतन सुनाने वाला तो पाप कर रहे हैं सुना करके, लेकिन अगर आप हां हां करते हैं आपका भी पाप हो रहा है, क्योंकि आप उसको उमंग दे रहा है सुनाओ करके। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब बच्चे योग लगाते हैं, मैं ऊपर बैठा हूं नीचे से खुशबू आती है, तो मैं डांस करता हूं, कौन सा बच्चा खुशबू फैला रहा है? जब बच्चे तपस्या करते हैं योग लगाते हैं नीचे से खुशबू आती है, बाबा डांस करता है। लेकिन कोई बच्चे जब परचिंतन करते हैं, गुस्सा करते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, बाबा ने कहा मेरे को नजर दौड़ती कि बदबू कहां से आ रहे हैं। जब देखता हूं, बाबा ने कहा था कि मुझे अगर परमिशन होती मैं नीचे आकर उस बच्चे का मुंह बंद करता हूं, तुम ये क्या कर रहे हो, बदबू फैला रहा। इसलिए हमें किसी का भी परचिंतन ना करना है ना सुनना है, पर चिंतन से बचना। अगर किसी को सुधारना है उसका परचिंतन करने से और बिगड़ेगा। कोई बहू है, हम क्या करेंगे? कोई भी मेहमान आता है तो क्या बोलेंगे? मेरी बहू तो है ऐसी, पता नहीं आजकल उसके माँ बाप ने क्या संस्कार डाल के रखा है, खाना बनाने की भी अक्कल नहीं। अब वो रोज ऐसी बातें सुनेंगे तो उसको क्या लगेगा, मेरी सास तो ऐसी बुराई करती है। जब आप घर से जाएंगे वो आराम से बैठी रहेगी, वैसी बोलते है, वैसे बोलते, बोलने दो तो आपका कम काम कम हुआ या ज्यादा हुआ? और ही कम हो गया। अगर उस बहू को सुधारना है तो क्या करो, कोई भी मेहमान आता है कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, दो बार घर को पोछा लगाती, नहीं लगाती तो भी क्या करो, बोलते रहो तो एक दिन आएगा उसको उमंग आएगा और अच्छा काम करेगी। बाबा का मुरली का पहला महावाक्य होता है क्या, मीठे बच्चे हम मीठे हैं तो भी बाबा क्या बोलता है, मीठे मीठे बोल करके बाबा ने मीठा बनाया। इसी तरह अगर किसी को सुधारना है उसकी महिमा करो। कोई सेवा करके आया, कहेंगे क्या तुमको अकल नहीं, ऐसी सेवा करते हैं, बेचारा धूप में गया, इतना टाइम निकाल करके गया। अगर उसको ऐसा कहेंगे दोबारा कहीं कहेंगे, कहेंगे मुझे टाइम ही नहीं है। किसी के उमंग बढ़ाओ, किसी के दोष नहीं देखो। बाबा ने आपको यहां सुना है, किसी लिए सुना है? आपके अवगुणों को देखा, हमारे अंदर 99 अवगुण थे, बाबा ने अवगुणों को नहीं देखा, क्या देखा, एक कोई गुण को देखा। इसलिए बाबा ने जितने भी यहां ब्राह्मण परिवार में चुने वो कोई साधारण नहीं, हर एक में गुण है। तो आप भी उस गुण को देखो, जब गुण को देखेंगे तो रिगार्ड आएगा। जब किसी के दोष देखते हैं उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है। इसलिए पर चिंतन से बचना। हंस बनकर के मोती चुगो, किसी के कंकड़ नहीं लो। सरस्वती मां हंस के ऊपर बैठी है, और किसके बैठे बैठे कमल के ऊपर बैठी है। कमल अर्थात कीचड़ से न्यारा प्यारा, मोर के ऊपर बैठे मोर अर्थात पवित्र आचरण। हंस बनो,
मोर बनो, कमल बनो। किसी की भी दोष वर्णन करेंगे शाम के समय योग नहीं लगेगा, दोष देखने से खुशी नहीं होगी। जिसके दिमाग में किचड़ा है उसको खुशी कहां होगी। जब परिचिंतन सुनेंगे, हम क्या कहते हैं, दिल में कौन बैठा है, बाबा बैठा है। अगर कान में कचरा डालेंगे तो दिल में चला जाएगा, तो बाबा देखेगा ये कचरा कहां से है, बाबा निकल करके चला जाएगा। तीन प्रकार के अपुचिड़ है, एक है भागवत, दूसरा है गीता, तीसरा है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था, गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया, क्या किया, स्नेह प्यार दिया, उसको कहते हैं भागवत। जब कृष्ण बड़ा हो गया, गोपिकों को भी छोड़ करके नष्ट मोह बन करके कुरुक्षेत्र में गया और अर्जुन को गीता का ज्ञान की गहरी बातें सुनाई, और 18 दिन तक सुनाता रहा, वो क्वेश्चन करता रहा, मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे भाई है, ये इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, लास्ट में अपना रूप दिखाता, मैं तुमको कहने वाला कौन हूं। और तब जाकर के अर्जुन क्या करता है, उसके चरणों में आया, समर्पित हो गया और कहता है प्रभु प्रभु प्रभु। जब उसने मान लिया तब उसका सारथी बना और उसको विजयी बनाया। इसी तरह यहां ब्रह्मा कुमारी के तीन अपुचर, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, स्नेह प्यार दिया, इसको कहते हैं भागवत। उसमें कह रहे हम लोग तो थे ही नहीं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा ने दादी को निमित्त बनाया और जगह जगह पर सेंटर्स खोले, गीता की गहरी बातें सुनाई, इसको कहते हैं भागवत। और 80 कितना सालों से बाबा गीता का ज्ञान दिया, कितने सारे सेंटर खोले, फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं ये कैसे हो सकता है, हम गृहस्थ में रहते हैं, हम पवित्र कैसे रहेंगे, ये नियम का पालन। बाबा कहता है कहने वाला मैं कौन हूं, मैं तुमको कोई बहने नहीं कह रहे हैं, स्वयं बाबा कह रहे हैं। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उसके सरेंडर हो गए, उसका ही बाबा सारथी बनेगा। इसलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं, जिसका दिल साफ है अपने दिल से सबको निकाल दो, किसी व्यक्ति वस्तु किसी का भी हमारे अंदर नहीं, और तब जाकर के बाबा आपका सारथी बनेगा और विनाश के समय आपको मदद करेगा। अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। इसलिए अपने दिल को आप साफ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी मेरा दिल खराब है उसमें बाबा नहीं बैठेगा, बाबा साथ में नहीं देगा। इतना दिन से मेरा कई लोगों के लिए दिल खराब है, उसको ही मैंने साफ नहीं किया, अभी भी मैं परिचिंतन की बातें इधर उधर की बातें सुनकर के दिल को खराब करेंगे तो फिर दिल को साफ करने का टाइम कहां मिलेगा। इसलिए अब मुझे निगेटिव बातें ना सुननी है, ना किसी के लिए सोचनी है, ना किसी को सुनानी है। इसलिए परिचिंतन से बचना, परिचिंतन करने वाला ज्ञान में नहीं चल सकता, ज्ञान से अपने आप निकल जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए। कहता है गुरुजी मैं इतना वरदान चाहता हूं, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं, छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तुम्हें पता चलेगा। तो शिष्य को क्या क्या वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो बीच में रास्ते में रुक गया और गुरुजी की चेकिंग करने के लिए छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। वो आश्रम में आना बंद हो गया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी को लगता है सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहता क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। कहता नहीं जी आजकल मेरे बच्चों की परीक्षाएं, थोड़ा धान निकलने का समय आया है, थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ऊपर नीचे है, थोड़ा सा गर्मी का मौसम है, कुछ ना कुछ बहाना बताता है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए आप हमें चाहते थे। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो छड़ी है ना, मैंने उसे छड़ी से देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या। लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा, देखो। तो शिष्य ने क्या क्या, छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी लेकिन शिष्य की पूरी काली। अपनी काली देकर के शिष्य को शर्म आ गई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी,
लेकिन मैंने तपस्या करते, दान पुण्य करते, सेवा करते, अब इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। बताए गुरु जी, आज आपने मेरी आंखें खोल ली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों को नहीं देखना, अपने आप को देखना। वो शिष्य दोबारा आश्रम में आना शुरू करता है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, लगन से आते हैं, सेवा करते हैं, जब सेवा करते करते बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटरों के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहां जो पैसे देते हैं ना उसकी उसकी ज्यादा खातरी होती है, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा, वो ऐसा, कुछ ना कुछ बुराई करेंगे। जब बुराई करेंगे भावना बिगड़ जाएगी। याद रखना, या भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, बड़ों के प्रति भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। जो आपकी भावना खराब करने का ज्ञान कोई बातें सुनाता है वो आपका दुश्मन है। इसको ही बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब अज्ञानी आत्मा नहीं। अगर कोई ज्ञानी है, कोई सेंटर की, कोई मधुवन की, कोई बहनों की कोई बातें आपको सुनाता है, कोई यज्ञ की बुराई करता है, वो है संग दोष, ये है कुसंग। रास्ते में चलते चलते हैं, किसी ने कीचड़ा डाल दिया तो आप क्या कहेंगे, आप हो गए, आपको ऑफिस में जाना था जरूरी, अब लोग कहेंगे, चिढ़ाएंगे, इसलिए वापिस आएंगे, कपड़े चेंज करके, टाइम वेस्ट हो गया, लेट भी हो गया, दूसरे दिन फिर जा रहे थे, वही व्यक्ति सामने है जिसने कल कीचड़ा डाला था, तो क्या करना है, और आज भी कीचड़ा ही डालने वाला है, कई बार उसने कीचड़ा ही डाला है, तो क्या करना है, रास्ता बदल कर जाना है ना। ये कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, कपड़े पहन के आए, जाओ डालो, बड़ा मजा आता है। इसी तरह आपने अमृत वाला अच्छी की मुरली सुनी, जा रहे थे तो चलते चलते कोई ऐसा व्यक्ति मिला, अरे हमारे सेंटर पर तो कुछ नहीं करते, वो देखो कितना अच्छा उन्नति कर रहे, वो ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कोई बुराई की स्थिति बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन अमृत वाला की मुरली सुनी जा रहे थे, वही सामने खड़ा है, तो क्या करना है, जिसने कल किचड़े की बातें सुनाई थी, मेरी अवस्था बिगड़ी थी, तो क्या करना है, उसे किनारा करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जो आपको किसी की बुराई सुनाता है उससे बच करो, उसको हाथ जोड़ो, मुझे ऐसी बातें मत सुनाए करो। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज जिसके दोस्त देख रहे हैं वो तो योग करे, ज्ञान करे, उसकी अच्छाई तो देखी नहीं। आज उन लोगों ने कितना साल से, कितना दिनों से तपस्या करे, योग करे, कितना दान, उसकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखा, इसलिए उसकी थोड़ी सी बुराई को देख रहे हैं। वो तो योग करे, ज्ञान करे, निकल जाएंगे। अगर आप यहां नहीं आएंगे तो आपका ही घाटा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे यहां किसी की भी दोष नहीं देखो, दोष देखेंगे तो घाटा अपना है। दोष देखने वालों को परमात्मा प्यार नहीं कर सकता, उसका योग नहीं लग सकता। इसलिए ये पर चिंतन आज हमें सो उन्नति करने नहीं देता। योग मतलब ऐसा नहीं सारा दिन कुछ भी करो, कुछ भी देखो और शाम को बाबा बाबा करते रहो, योग नहीं लगेगा। तो योग लगाने के मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, मुझे केवल बाबा के श्रीमद प्रमाण चलना है, अपने आप को देखना है। अगर दूसरों को देखते रहेंगे जीवन मन में खाली ही रहेंगे। कहते एक शेठ जी थे, उन्होंने एक अपनी बड़ी सी कोठी बेच दी और दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। तो एक ठग को पता चला शेठ जी इतना सब कुछ बेच करके जा रहे हैं, इनके पास बहुत सारा माल पानी है। उसी ट्रेन में, उसी बोगी में, उसी सीट के पास उन्होंने रिजर्वेशन लिया वो ठग ने। लेकिन शेठ जी जब बैठे थे उनको थोड़ा डाउट आया उसके चलन से, उसको लगा ये कोई ठग लगता है। तो जैसा आगे दो तीन स्टेशन क्रॉस किया, वो ठग कहता है शेठ जी थोड़ा पानी वगैरह पी के आओ ना, तो आपको कोई प्यास नहीं लगी। अब शेठ जी को लगा अगर मैं पानी पीने के लिए जाऊँ तो मेरी गठरी उड़ा देगा। तो शेठ जी ने कहा ऐसा है मैं अभी पानी पी के निकला था, मुझे इतनी प्यास नहीं, तुम मेरे बॉटल में भी पानी लेके आओ और खुद भी पी के आओ, मैं अगले स्टेशन में खुद जाऊंगा, मुझे वैसे तो ज्यादा समय बैठने का बड़ा बोर हो जाता है। तो ठग को लगा बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, ये आगे जा स्टेशन पर उतरेगा। तो ठग क्या करता है, शेठ जी की बॉटल लेकर के पानी पीने के लिए नीचे उतरा स्टेशन पर। तब तक शेठ जी ने क्या किया, अपना जितना भी पैसे की गठड़ी थी बांध दिया और वो ठग के तकिए के नीचे रख दिया। इतने में ट्रेन की सीटी बज गई, वो आगे ट्रेन चल पड़ी। तो बातें करते करते दूसरा स्टेशन आया, तो शेठ जी कहता अच्छा मेरी बारी है ना, मैं जाता हूँ पानी पीने के लिए। तो शेठ जी चले गए पानी पी करके, आराम से घूम फिर करके, तब तक सीटी बज गई, ट्रेन पे आ गए।
अब तब तक जब वो सेठ जी गए थे तो ठग क्या करता है, वो सेठ जी का सारा सामान ढूंढना शुरू करता है, कहाँ गठड़ी रखी है, मिला नहीं, तब तक सिटी बस गई, इसलिए आए। फिर अगले स्टेशन में सेठ जी कहता है अच्छा मुझे थोड़ा क्या घूमने का, तब तक उनको ठग क्या करता है, उसकी गठड़ी ढूंढता है, कुछ नहीं मिला। चार पांच स्टेशन पर सेठ जी बाहर जाते थे, घूमते थे, और वो ठग क्या करता उनकी गठड़ी ढूंढता था। आखिरकार स्टेशन पर आया तो सेठ जी कहता है अरे मेरे मैंने तेरे को बहुत पानी पिलाया, आप थोड़ा तुम मेरे ले लेके आओ। तो ठग चला गया, तब तक सेठ जी ने अपनी गठड़ी ले ली। उसके बाद सिटी बस के ठग आया तो ठग कहता है सेठ जी एक बात पूछू, कहता पूछो, कहता आपने इतनी बड़ी कोठी बेची उसका सारा पैसा वगैरह कहाँ रखा। कहता है वो तो मैंने तुम्हारे गठड़ी तकिए के नीचे रखा था, मुझे पता है तुम पूरी यात्रा में मेरे गठड़ी चेक करेगा, लेकिन मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रखी थी, और इसलिए तुम जैसा तुम ठग मैं तुम्हारे से भी महाठग हूं। इसी तरह आज जीवन में सुख शांति की सारी गठड़ी हमारे पास रखे बाबा ने, हमारे गठड़ी के नीचे रखे, तकिए के नीचे रखे, लेकिन जीवन भर में हम क्या ढूंढते और उनको चिंतन करते, वो दूसरों को जितना देखते रहेंगे जीवन में खाली रहेंगे। इसलिए अपने आप को देखो, स्वयं का चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कैसा था। बाबा कहते ना 500 रुपये का अभ्यास करो, अपने बारे में सोचो, मैं कैसा था, कैसे ऊपर से आया, कैसे मैंने पूज्य स्वरूप का पूजारी स्वरूप का जन्म लिया, मैं फरिश्ता स्वरूप बन रहा हूँ। अपना आप खुद का चिंतन करो, औरों को नहीं देखो, ये कौन क्या करता है, ये क्या करता है, दूसरों को देखेंगे जीवन भर में खाली ही रहेंगे। इसलिए अब दूसरों को देखने का समय नहीं है, खुद का चिंतन करो, पर चिंतन से बच करके रहो। उसके लिए थैली वाली कहानी बताई, पीछे का थैला कभी आगे नहीं करना, और कोई बोलता है तो हाँ जी हाँ जी करके सिर नहीं लेना, कोई कचरा डालता उसको डालने नहीं देना, संग दोष से बचना, कभी भी बदबू नहीं फैलाना, और छड़ी को दूसरे की कमजोरी नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप खुद को देखना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर कोई आपकी बुराई बताती भी है उसको भी क्या कहो, थैंक यू। हम क्या करते हैं, संत कबीर ने कहा निंदक नहीं रे राखिए, जो निंदा करता हमारा मित्र है, जो हमारी महिमा करता हमारा शत्रु है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी महिमा करता उसके साथ दोस्ती बनाते हैं। महिमा सुलाती है, ग्लानी जगाती है। इसलिए निंदा सुनना पसंद करो, निंदा सुनना अर्थात करेले खाना, और जितना करेले खाएंगे, कड़वी चीजें खाएंगे, उतना आपके अंदर शक्ति आएगी, आपकी उन्नति होगी। मैं जब शांतिवन में, मुझे याद आए शांतिवन में पहले क्लास करता था डायमंड हॉल में, मेरा एक टॉपिक फिक्स रहता था निरंतर योगी कैसे बने, क्योंकि वो क्लास सब लोग पसंद करते थे। मैं जब डायमंड हॉल में क्लास करके डाइनिंग हॉल में जाता था तो कई लोग बोलते थे अरे आपने वही एग्जांपल दिया, दूसरा कोई एग्जांपल नहीं आता वही, तो कई मेरे को बोलते थे अरे आपने इतनी अच्छी क्लास की, सब लोगों ने ताली बजाई, इतने खुश हो गए, और ये अपनी निंदा करते, आप वहाँ क्यों बैठते, दूसरे टेबल पर बैठो। लेकिन मैंने जानबूझ करके उसी टेबल पर बैठता था खाना खाने के लिए, और मैं देखता था वो क्या क्या मुझे बोल रहे वो सुनता था। और जब डायमंड हॉल में क्लास करता था तो मैं ही सोचता था वो भी सुन रहे होंगे, इसीलिए नए नए एग्जाम्पल देना है, नए नए एग्जाम्पल, नया नया चिंतन करते करते अब मेरे पास 200 टॉपिक हो गए। पहला तो एक ही टॉपिक था, अगर वो मेरी मैं उस टेबल पर ना बैठता, दूसरे तरफ जाता, तो मैं नया चिंतन ना करता, ना मेरे पास इतने टॉपिक होते। तो निंदा करने वालों ने क्या किया, मेरे को और ही आगे बढ़ाया। तो निंदा करने वाले आपको आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए निंदा सुनना पसंद करो। जितना निंदा अपनी सुनेंगे उतना आप अपनी बीमारी को, बुराई को निकाल सकेंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना है, ठीक है। तो सभी दोनों हाथ आगे करें, एक हाथ आगे करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसे पीछे बोलेंगे, प्यारे बाबा यह संगम युग चल रहा है, और संगम युग का भी 2020 का वर्ष चल रहा है, तो इस 2020 में हम कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, सदा ही सोच चिंतन करेंगे, पर चिंतन से दूर रहेंगे, पर चिंतन पतन की जड़ है, इसलिए सदा दूसरे के अच्छाई गुण देखेंगे, पर चिंतन ना सुनेंगे ना किसी को सुनाएंगे, सोच चिंतन कर
करते हैं, पर चिंतन से डर कर रहना। अगर पर चिंतन करेंगे हम उन्नति नहीं कर सकते। तो जितना इस पर चिंतन से बचे रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, अगर कोई आता है उसको ज्ञान की बातें सुनाओ, आज बाबा ने ऐसा कहा, आज बाबा ने ये कहा, बाकी वो ऐसा करता है, वो उसको कहो कि ऐसी बातें हमको नहीं सुनाओ। पर चिंतन से बचना, इससे सहज आपकी सोन्नति होगी। ठीक है, तो ये तीसरी धारणा थी। ऐसी बहुत सारी धारणाएं, निगेटिव सोचना, इसे भी योग नहीं लगेगा। सहन शक्ति की धारणा भी चाहिए, बहुत सारी धारणाएं, लेकिन यही आज अभी पूरा करेंगे। और शाम के समय सहनशील कैसे बने, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम अपने जीवन में सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, सहन शक्ति का पुरुषार्थ में कितना बड़ा महत्व है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो योग का सभी को क्लियर हो गया, नहीं कितना घंटा योग करना है, कैसे योग की विधि क्या है, क्लियर बातें बताई, योग के लिए धारणा क्या है वो भी बताया। ठीक है, ओम शांति।